Hello everyone, welcome to our channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा टॉपिक लायन सोसाइटी यानी कि विधि और समाज. ये NTAGCNET का जो सिलेबस है उसमें अभी न्यूली एडिट किया गया, यूनिट 5 चल रही है. तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए. एंड वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि विधि और समाज है क्या, हम इसमें मेनली स्टडी क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें एक्चुअली उस टॉपिक में पता ही नहीं होता है कि उस टॉपिक में उनको पढ़ना क्या है. तो मैं उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो सके. तो लॉ एंड सोसाइटी के अंतर्गत बेसिकली हम स्टडी करते हैं उन रूल्स की, उन सामाजिक विधानों की, जिनकी वजह से सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और जो कि एक तरीके से जिनके बनने की वजह से जो सोशल सिस्टम था वो कुछ हद तक चेंज हो गया है. तो जो वो लॉ है, वो जो सोशल रूल्स हैं, जो सामाजिक विधान हैं, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं विधि और समाज में कि क्या क्या वो रूल्स हैं और क्या क्या उनका इम्पैक्ट पड़ा है. तो अभी मैं बताऊँगी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट से सामाजिक विधान और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा है सोसाइटी पे. तो जो सबसे पहला है वो है सती प्रथा निषेध अधिनियम. ये आया था 1829 में एंड इसको जो बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था 1988 में. ये लाए थे इनके राजा राम मोहन राय जो थे, इनके प्रयासों की वजह से सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ. बेसिकली इनका मानना था कि जो लोग जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जबरदस्ती उनको जला दिया जाता था. तो राजा राम मोहन राय का मानना था कि ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की डेथ हो गई तो महिलाओं को जीने का अधिकार ही नहीं है, वो भी इंसान है, उनको भी जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए. तो इन्होंने ही बेसिकली जो नवजागरण था इंडिया में, जो रिफॉर्मेशन था, उसको स्टार्ट किया. तो इनको रिफॉर्मेशन का पायनियर बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को. जो दूसरा अधिनियम था वो था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम. ये आया 1850 में एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके प्रयासों की वजह से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो सका इंडिया में. तब पहले, इससे पहले जो विडोज थी उनको री मैरिज करने का अधिकार नहीं था, बट 1850 के बाद ये इनको अधिकार मिला कि हाँ वो भी री मैरिज कर सकती हैं. देन फिर आपका आता है बाल विवाह निरोध अधिनियम, मीन्स की निषेध अधिनियम. 1929 में आया और इसको बोला जाता है शारदा एक्ट. इसका जो अमेंडमेंट था वो था 2006 में आया था और इसमें ये बोला गया कि जो बच्चे बेसिकली उनकी शादी मत करो, क्योंकि जो उनका मतलब एक तरीके से बहुत ही विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है. अभी आपको कमेंट में बताना है कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है इसमें जो एज रखी गई थी शादी की वो कितनी थी, मुझे कमेंट करके बताइएगा. देन आपका जो अगला अधिनियम है वो है विशेष विवाह अधिनियम. ये आया था 1872 में, देन इसी को अमेंडमेंट किया गया 1954 में. फिर आपका जो अगला अधिनियम है वो है आर्य विवाह वैधानिकरण अधिनियम. ये आया था 1937 देन आपका जो नेक्स्ट आया था वो था शरीयत एक्ट. ये आया था 1937 में. उसके बाद आया मुस्लिम तलाक अधिनियम 1939 में. एंड फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आया आपका हिंदू विवाह अधिनियम. इसको हिंदू कोर्ट बिल भी कहते हैं. इसमें हिंदू जितने भी थे, मीन्स की सिख, बौद्ध, जैन, इन सभी को शामिल किया गया और इनसे रिलेटेड विवाह के कुछ रूल्स बनाए गए, जैसे कि एक विवाह अंतरजातीय विवाह को इसमें मान्यता दी गई कि आप हाँ कर सकते हो, अंतरजातीय विवाह भी अब वैलिड हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें की गई. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सारी चीज़ें सोसाइटी में चेंज हुई. देन फिर आपका आया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में. ये आया और इसके परिणाम स्वरूप जो पहले अनटचेबिलिटी थी उसको अपराध घोषित कर दिया गया. अब भी जो धारा है 17 उसके तहत जो अनटचेबिलिटी है उसको अपराध घोषित कर दिया गया 1955 में. उसके बाद आपका आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में. इसमें बेसिकली जो
औरतें थी उनको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था, उनको माना जाता था कि उनका प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। बट 1956 के बाद जो ये अधिनियम आया उसके बाद फिर माना जाने लगा कि नहीं, औरतों को भी ये राइट्स मिलना चाहिए, उनको भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। एंड क्या क्या चीज़ें उत्तराधिकार से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी तो वो 1956 में हुई। देन उसके बाद आपका आया दहेज निरोधक अधिनियम, ये 3 बार आया है। पहले आया 1961 में सबसे पहले, देन इसमें अमेंडमेंट हुआ 84 में, एंड देन फिर हुआ 86 में। तो इसमें बेसिकली जो अमेंडमेंट हुआ उसमें जो सजा की अवधि है और जो जुर्माना है वो चीज़ें बढ़ाई गई और थोड़ा सा कुछ कंडीशंस चेंज किए गए। ये 3 बार जो बाद में अमेंडमेंट हुआ। इसके बाद आपका आया स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956 में आया था। इसके थ्रू जो लड़कियों की जो सप्लाई की जाती थी, जो उनका एक व्यापार टाइम में बना लिया था, उसको रोका गया। इससे भी काफी अच्छी अच्छी चेंजेस हुए। देन उसके बाद आपका आया घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। बेसिकली पहले क्या होता था कि माना जाता था कि हाँ औरत है तो उसको मारपीट, उसको ताने, ये सारी चीजें झेलनी ही पड़ेंगी, उसको मानसिक शारीरिक लैंगिक दुर्व्यवहार उसके साथ किया जाता था एंड वो कुछ भी नहीं करती थी। बट 2005 में जो आया एक्ट, उसके बाद से ऐसा माना जाने लगा, ऐसा माना क्या, ऐसा लीगली कर दिया गया कि नहीं ये चीजें गलत हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ लीगली एक्शन लिया जा सकता है। और हाँ, इससे इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट चीज है वो ये है कि ये जो अधिनियम है ये औरतों और मतलब मेल एंड फीमेल दोनों पे लागू होता है। देन फिर आपका आया प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में आया। उसके बाद आपका आया महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर रोक, 1986 में। ये जो एड वगैरह दिए जाते हैं टीवी में या फिर किसी भी मूवी में, तो जो थोड़ा सा भड़काऊ टाइप का ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि वो कोई ऑब्जेक्ट हो, तो इस तरीके से इस पर उसको रोकने के लिए ये आया था। देन फिर आपका आया वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986 में। उसके बाद जो लास्ट था वो था भ्रूण जांच पर रोक 1994 में। बेसिकली क्या होता था कि हाँ पहले से ही पता करो कि लड़की है या लड़का, एंड फिर अगर लड़की है तो उसको मार दो। तो इसको रोकने के लिए 1994 में आया ये अमेंडमेंट, भ्रूण जांच पे रोक, एंड अगर ऐसा भी कोई करते हुए पाया जाता है तो उसको जुर्माना प्लस सजा दोनों भी चीजें हो सकती हैं। मीन्स की जो करता है वो भी, जो डॉक्टर है और जो करवाता है, तीनों को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। सोसाइटी एक तरीके से चेंज हो गई, उसका सोशल सिस्टम जो था वो चेंज हो गया, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।